अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद है और मैं नानजिंग में रह रहा हूँ। तो आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं, तो उस पर मुझे भी ख्वाहिश आई है कि मैं भी कोई वीडियो बनाऊँ जो हकीकत पर मबनी हो या जिसपे सारा कुछ जो है वो खुल खुला के बयान किया हो। तो बात यह है कि नानजिंग में हूँ, जियांगसू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में मैं पढ़ता हूँ। तो मैं इधर अकेला ही एक ही पाकिस्तानी हूँ यहाँ पर। और हमारे हालत इस तरह के, कोरोना वायरस जब से फैला है हमें स्कूल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर जाने की दी गई इजाज़त तो हफ्ते में एक या दो दफ़ा के आप बाहर जाएं और अपनी चीज़ें वगैरह खरीद कर वापस आ जाएं। तो उसके अलावा अभी रिसेंटली कल रात को एक वाकया हुआ है कि मैं रात को जाने लगूँ बाहर, मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, कुछ चीज़ें मैं भूल गया था जो मैं नहीं ला सका था पहले, वो ले जाने वो लाने के लिए मैं बाहर गया। तो मुझे जो यहाँ की गार्डन है जिसे आई कहते हैं उसने हमें रोक लिया, बगैर बताए बगैर किसी उसने वार्निंग के या किसी टीचर ने भी मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, और उसने मुझे कहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो सूरत हाल इस तरह ही मैंने उससे बात वगैरह की है कि लाइक मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या किया जाए। तो उसने फिर बोला है कि आप जो उनसे बाहर नहीं किसी भी हालत में जा सकते, जो मर्ज़ी है, टीचर ने मना किया है, हमारे जो डीन है उसने मना किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। आज सुबह पता लगा है हमें कि यहाँ पे जो है कोई लड़की थी जो हमारे हॉस्टल में हुबे शहर से, जहाँ से जो हुबे प्रोविंस से जहाँ वो इलाका है वुहान, उस जो है सूबे से वो लड़की यहाँ पे आई है और वो कुछ दिन इस हॉस्टल में रही है अपने दोस्त के पास। और जो भी वो उसमें था कि पता लगा है इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट से उनको पता लगा है कि वो लड़की जो उनसी है इधर नानजिंग में इस यूनिवर्सिटी में रह के गई है। तो फिर गवर्नमेंट ने या जो भी अथॉरिटीज़ ने उनको रास्ता किया होगा जो हमारा डीन है उनसे। और फिर आज सुबह वो आया था यहाँ पे और उसने हमारी चेकिंग वगैरह की है, हमारा देखा है कि क्या सूरत हाल है कमरे की और कौन कौन है। तो मेरी तो सूरत हाल इस तरह कि मैं ये अपने कमरे में अकेला ही हूँ, एक ही पाकिस्तान में, तो बस इस तरह चल रहा है। और उसके अलावा उन्होंने हमारा जो डोर है, हमारी जो हॉस्टल है, उसको चारों साइडों से बिल्डिंग को सील कर दिया। तो हम बस इस तरह कि जैसे हम एक जेल में हों, तो ना हम बाहर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो बस इस तरह की सूरत हाल हुई है। खाने का भी उन्होंने कुछ नहीं अभी तक बताया, खाना देंगे कि नहीं देंगे, एक दिन हो गया। तो इस तरह इधर हो सकता है कि ऐसे भी लोग हों जिनके पास खाना वगैरह नहीं है, तो कैसे मतलब टाइम गुजार रहे हैं जो भी है। तो सूरत हाल यही है कि यहाँ पे बस एक कैद किस्म की है। बात यह है कि हम मतलब उन जो है सेफ्टीज़ को देख रहे हैं और उन पर अमल भी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है, मिसाल तौर पर टीचर है या जो हमारी वार्डन वगैरह है या जो मतलब इस तरह हमें देखभाल के लिए जो लोग हैं, वो हमारे साथ मतलब लाइक बहुत एक ऑकवर्ड जो है ना रवैया इख्तियार उन्होंने किया हमारे साथ। और हमें जो है बोला है कि आपने जो भी है आपने इसके अंदर रहना है, एक लाइन खींच दी गई है, उस लाइन के पार जो है वहाँ पे वो वार्डन होती है और दूसरी साइड पे हम होते हैं और वहीं पे हमें रोक देती है कि आप रुको वहाँ से बात करो। तो ये सूरत हाल है कि हम बस इस तरह ही है कि कैद किस्म के हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, ये मुश्किल ही है, टाइम गुजर जाएगा। तो मैंने कहा चलो अगर मतलब इतने लोगों ने इस बारे में अपडेट किया और बताया कि ये हो रहा है, तो मैंने कहा चले हमारे पास भी मौका है, तो जब तक हम जिंदा हैं तो चले इसको करते हैं, चलाते हैं। मर गए तो ठीक है, मर गए लाइव मरते बतावेंगे तुम कि हम जो है लाइव कैसे मर रहे हैं। तो अगर बच गए तो चले फिर इसको जारी रखेंगे प्रोग्राम को आगे और आपको और मज़ीद जो है खुश करने वाली चीज़ें और मज़ीद इंटरटेन करने वाली जो चीज़ें हैं वो दिखाते रहेंगे। तो आप इस तरह के आपको कुछ मैं व्यू दिखा देता हूँ अंदर बाहर के, तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तो रात हो गई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह निकलूँ और जाके वो आपको जगह दिखाऊँ जहाँ पे उन्होंने लाइन इस तरह खींची और सामने वो दूसरी साइड पर वो थे वार्ड साइड पर दूर खड़े होकर बात करते और मास्क पहन के, तो लाइक एक मेंटली टॉर्चर भी चल रहा है इधर ने किस्म का। तो बाकी ठीक है, जैसे भी है, टाइम है अल्लाह ताला की तरफ से, मुश्किल टाइम आया हुआ है जो हमने निकालना है, तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। बाकी शुगर मिले जी चल रहा है काम, तो जेड़ा भी है हम दसने आओ तू फिर वो खाने जेड़ा
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਜਾ ਕੱਲਾ ਮਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸਕੋ ਖੋਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਡੋਰਮੀਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਨੀਚੇ ਮਾਰਾ ਜੋ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਜੋ ਡੋਮ ਹੈ ਇਸਕੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਉਹਨੇ ਜੋਨ ਸਾ ਵੋ ਲਗਾ ਦਿਆ ਹੈ ਹੱਦ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾ ਹਮ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਤੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਰੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਤੇ ਨੀ ਹਾਲ ਆਫ ਸ਼ ਪਾਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਡੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਜੋਨ ਸਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੋ ਆਪਕੋ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਜੋਨ ਸਾ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵੋ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਅਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਹੋਗਾ ਤੋ ਆਜ ਹੀ ਆਪਕੋ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਹੈ 2 February ਹੈ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਆਜ 2 February ਹੈ ਤੋ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਸੇ ਹੋ ਔਰ ਬਚ ਜਾਏ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸਾਰ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ